कि अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं और दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड था और उन दोनों को ऐड करने के बाद भी जो उनका रिजल्टेंट आ रहा है उसका भी मैग्नीट्यूड किसी एक वेक्टर के बराबर ही था, तो पक्का उन दो वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री होगा। तो मान लो अब तुमको अगर कहीं फ्यूचर में क्वेश्चन ऐसा है कि दो फोर्स 10 न्यूटन का और 10 न्यूटन का है मेरे पास, उनके बीच का एंगल 120 डिग्री था, हमने उनको ऐड किया, तो नेट फोर्स कितना आएगा? तो बिना सॉल्व किए तुम आंसर कहोगे 10 न्यूटन, क्योंकि दो इक्वल फोर्स एंगल 120 डिग्री, तो नेट 10 न्यूटन ही आने वाला है। इस क्वेश्चन को तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो या इस क्वेश्चन को तुम बिना ये फॉर्मूला यूज किए भी एक बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और वो तुम्हारा है ट्रायंगल बना के। देखो दो इक्वल वेक्टर को ऐड किया है तो नेट भी किसी एक के बराबर ही आ रहा है, मतलब कि अगर हम ट्रायंगल बनाएं, अगर हम ट्रायंगल ऑफ एडिशन से जाके ट्रायंगल बनाएं, तो यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे? इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि तीनों का साइड लेंथ सेम था। देखो जो दो वेक्टर आपने लिया था उनका भी सेम था मैग्नीट्यूड, जो रिजल्टेंट आया है उसका भी मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो यहाँ से मतलब तीनों ट्रायंगल का साइड लेंथ सेम आएगा, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने वाला है। तो मान लीजिए कि अगर ये था आपका ए वेक्टर और ये था आपका बी वेक्टर, तो ये देगा सी वेक्टर, जो कि समेशन होगा ए प्लस बी का। अब देखो तो हमको फाइंड करना था इन दो वेक्टर के बीच का एंगल, मतलब कि हमको फाइंड करना है ये एंगल। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये अंदर वाला सब एंगल होगा 60 डिग्री, तो ये भी होगा 60 डिग्री, ये भी होगा 60 डिग्री और ये भी होगा 60 डिग्री। तो देखो ये 60 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60, तो मतलब 120 डिग्री, जो देखो अभी आया था। तो तुम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते थे अगर तुम थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते तब, लेकिन जो हमने फॉर्मूला यूज करके सॉल्व किया वो था ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, बोलो जल्दी से बोलो। ओके देखो अब ये क्वेश्चन क्या 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 अच्छा, ये एक मिनट रुक जा, ये होमवर्क है तुम लोग सॉल्व करना। देखो इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी आर 12, 5 एंड 13 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली, और क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया है कि ए प्लस बी इक्वल टू सी वेक्टर, मतलब कि जो सी वेक्टर है वो है तुम्हारा रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, और तुमको ऐसा अगर मैं थोड़ा सा हिंट दूं तो ये एक के राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, और तुमको इसको घर पे खुद से सॉल्व करना और मेरे को आंसर बताना कितना आने वाला है। देखो ये क्वेश्चन है कि अ मैन मूव्स इन एन ओपन फील्ड सच दैट आफ्टर मूविंग 10 मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन ही मेक्स अ शार्प टर्न ऑफ 60 डिग्री टू हिज लेफ्ट। हर एक 10 मीटर स्ट्रेट लाइन में जाने के बाद वो 60 डिग्री का टर्न ले रहा है लेफ्ट साइड में, फुल स्टॉप। फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन जस्ट आफ्टर 7 सच टर्न्स। तो फॉर योर काइंडली इंफॉर्मेशन, जो मैन का पाथ होने वाला है ना वो एक रेगुलर हेक्सागन होने वाला है, तो तुम लोगों को ये बात पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये जो मेरा क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के हिसाब से मैन का जो पाथ होगा वो बनेगा रेगुलर हेक्सागन, क्योंकि वो हर 10 मीटर जाने के बाद 60 डिग्री से टर्न कर रहा है, तो दो कंजिक्यूटिव वेक्टर के बीच का एंगल आने वाला है 60 डिग्री। मतलब देखो अगर हम हेक्सागन ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा बनाएंगे ऐसा, तो ये रहा अपना पहला वेक्टर। जैसे मान लो कि वो इस पॉइंट ओ से चलना स्टार्ट किया, तो उस वो इस पॉइंट ओ से चलना स्टार्ट किया और कितना गया है? 10 मीटर। अब इस 10 मीटर जाने के बाद वो 60 डिग्री का टर्न ले रहा है लेफ्ट साइड में, तो टर्न का मतलब हुआ कि जो वेक्टर के बीच का एंगल बनेगा वो आपका बनेगा 60 डिग्री, तो जो उसका कुछ टर्न होने वाला है वो कुछ ऐसा होगा। देखो ये आपका बनेगा 10 मीटर और ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 60 डिग्री। देखो ये और ये एंगल आपका हो जाएगा 120 डिग्री, जो कि आपका होता है इंटरनल एंगल ऑफ हेक्सागन। अब ऐसे तुम सॉल्व करो, तो फिर ये पहुंचा यहाँ पे, तो फिर लेगा वो टर्न लेफ्ट साइड, क्योंकि वो 10 मीटर चल चुका है, तो फिर लेगा टर्न बाई 60 डिग्री, तो इस बार जो हम बनाएंगे वो कुछ ऐसा बनेगा। फिर हो जाएगा 10 मीटर, फिर लेगा टर्न। तो मैं बस तुमको समझा रहा हूँ ऐसा कि वो तुम्हारा एक रेगुलर हेक्सागन बनाने वाला है। फिर हो जाएगा 10 मीटर, फिर लेगा टर्न। और फिर एक टर्न और फिर से पाथ कंटिन्यू, फिर
फिर से पाथ कंटिन्यू, वो इसी रेगुलर हेक्सागन पे घूमता रहेगा, समझे ना। देखो ये भी तो जो तुम्हारा आएगा एंगल, यहाँ भी बनने वाला है तुम्हारा 60 डिग्री, तो हर एक एंगल वो 60 डिग्री बनने वाला है। तो देखो, तो इस पॉइंट ओ से स्टार्ट किया होगा, तो ये रहा पहला टर्न, ये रहा आपका दूसरा टर्न, ये रहा तीसरा टर्न, ये रहा चौथा टर्न, ये रहा पांचवा टर्न, ये रहा छठा, और फिर सातवां टर्न आपका वन से करेगा कोइंसाइड। सातवां टर्न जो था वो करेगा वन से कोइंसाइड, तो आप इसको नाम दे दो पॉइंट ए। तो देखो, तो आफ्टर सातवां टर्न हमसे पूछा था उसका डिस्प्लेसमेंट, तो सबको यहाँ पे कितना दिख रहा है, 10 मीटर, क्योंकि जो हेक्सागन का साइड लेंथ होगा वही होगा उसका डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर इज 10 मीटर। बोलो समझ में आया। तो इसमें थोड़ा सा तुमको ये जानना जरूरी था। अब मान लो कि इसी क्वेश्चन में हम तुमसे एक और क्वेश्चन कर रहे हैं ऐड, बताओ तुम, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर आठवा टर्न, आठवा टर्न के बाद कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, तुम लोग सॉल्व करके मेरे को बताओ आंसर। हमने तुमसे पूछा डिस्प्लेसमेंट आफ्टर आठवा टर्न, तो पहले तुम चेक करो कि आठवा टर्न पे वो कहाँ होगा, तो उसका टू से करेगा कोइंसाइड, होगा ना। बोलो आप, देखो तो इसको तुम मान लो पॉइंट बी, तो पॉइंट ओ से वो चलना स्टार्ट किया था और आठवा टर्न के बाद वो पॉइंट बी पे है, मतलब कि इसको जो तुम ज्वाइन करोगे तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ना, देखो यहाँ से यही ना, ओ बी, ओ बी इज द डिस्प्लेसमेंट। और तुम देखो तो यहाँ से साफ साफ हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ओ बी वेक्टर इज नथिंग बट समेशन ऑफ ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, बोलो है कि नहीं है, बोलो तो देखो, क्योंकि हमको ओ से चला था और बी पे है, आफ्टर आठवा टर्न हो गया है बी पे, तो हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये मेरा शो कर रहा है एरो, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था वहाँ हमने टेल रखा, जिस पॉइंट पे है वहां पे मैंने हेड रखा, तो हमको दिख रहा था कि ये जो वेक्टर ओ बी हमको देगा डिस्प्लेसमेंट, और वो है नथिंग बट वेक्टर समेशन ऑफ ओ ए एंड प्लस ए बी। अब देखो तो बस हो गया, हमको करना है वेक्टर समेशन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इन दो का वेक्टर समेशन, तो दोनों का 10 ही है, दोनों का 10 था मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री, तो करो 10 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 10 × 10 × cos 60 एंड cos 60 इज हाफ, 2 से 2 कैंसिल आउट, तुम सॉल्व करना देखना आएगा 10 10√3 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट इज 10 10√3 मीटर आफ्टर आठवा टर्न। अब मान लो कि तुमसे पूछता कि आफ्टर छठा टर्न, तो आंसर होता 0, क्योंकि छठे टर्न के बाद वो जहाँ से स्टार्ट किया था वो पे वहीं पहुंच जाएगा, ठीक है ना। बोलो रे, ठीक है ना। चलो, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो एक्चुअल में ना हम लोग सब्ट्रैक्शन को भी हम लोग सीखेंगे एडिशन के तरह ही, तो कैसे उसको हम लोग करेंगे कन्वर्ट एडिशन में वो देखते हैं। तो जैसे मान लो कि हमको, अगर मेरे पास दो वेक्टर है, जैसे मान लो कि मैंने माना ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, और इनके बीच का एंगल है थीटा, और हमको फाइंड करना है ए माइनस बी, ए प्लस बी कैसे फाइंड करते हैं हम लोग कर चुके हैं, हमको फाइंड करना है ए माइनस बी, इनका सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी, और इसको हमने मान लिया कि सी वेक्टर इज ए माइनस बी, मतलब कि ए और बी को सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक वेक्टर ही बनेगा, तो उसको हमने नाम दिया है सी वेक्टर। अब देखो ध्यान से, तो क्या हम इस ए माइनस बी को ए प्लस माइनस बी वेक्टर, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बोलो तो, ए माइनस बी को ए प्लस माइनस बी वेक्टर। तो देखो, अब इस क्वेश्चन को हमने चेंज कर लिया है एडिशन के टर्म में, मतलब कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू द एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड एडिशन ऑफ निगेटिव ऑफ बी वेक्टर, बोलो तो है कि नहीं है, बोलो सिंपल सी कहानी है कि नहीं, है ना।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड निगेटिव ऑफ बी वेक्टर। अब हमने तुमको बताया था कि कैसे हम लिखते हैं किसी भी वेक्टर का निगेटिव। तो जैसे मान लो कि अगर मेरे पास ये बी वेक्टर है और इसका हमको लिखना है निगेटिव वेक्टर, तो हम लोग लेंथ सेम रखते हैं, बस इसका चेंज करते हैं डायरेक्शन। तो ये शो कर रहा है निगेटिव वेक्टर। तो यहाँ पे हमको फाइंड करना था ए माइनस बी और मेरे पास है ए प्लस माइनस बी। तो अगर ये बी वेक्टर था इस तरफ, देखो यहाँ पे अगर ये बी वेक्टर मेरा कहीं यहाँ पे कर रहा था पॉइंट, तो हम इसका लिख सकते हैं निगेटिव बी वेक्टर कुछ ऐसा, इसके जस्ट अपोजिट, कीपिंग लेंथ सेम, कीपिंग लेंथ सेम, बस हम लोग इसका चेंज कर देंगे डिरेक्शन। तो ये तुम्हारा आ जाएगा माइनस बी वेक्टर। अब हमको फाइंड करना है इस ए और माइनस बी का एडिशन। तो फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं इस तरफ आएगा, मतलब इस तरफ आपका आने वाला है ए माइनस बी। अब इसको सब लोग ध्यान में रखना कि अगर मेरा दो वेक्टर ए और बी कुछ ऐसा था, तो इनका ए प्लस बी इस तरफ आया था, और हमको अगर फाइंड करना हो a माइनस बी, तो पहले मैंने b को चेंज करके लिखा है माइनस बी और फिर इसका किया है एडिशन, तो आपका a माइनस बी कहीं इस तरफ आएगा, तो इसका डिरेक्शन चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग इसको याद रखना। अब तुम लोग एक बात और देखो कि अगर a और b के बीच का एंगल था थीटा, तो हम बोल सकते हैं कि a और माइनस बी के बीच का एंगल होगा 180 माइनस थीटा। ए और माइनस बी के बीच का एंगल होने वाला है 180 माइनस थीटा। तो क्यों ना कि हम जो एडिशन वाला क्वेश्चन किए थे या जो मेरे पास एडिशन वाला फॉर्मूला था, तो उसमें जहां जहां पे थीटा था वहां वहां पे हम अगर 180 माइनस थीटा कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि हमको यहां पे फाइंड करना है एडिशन ऑफ ए एंड माइनस बी। तो हमने चेक कर लिया कि जिन दो वेक्टर का हमको एडिशन करना है उनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो बस सिंपल सी कहानी है कि अगर मेरे को फाइंड करना हो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पे था थीटा वहां कर देंगे माइनस a 180 माइनस थीटा। तो क्या आएगा फॉर्मूला कि मॉड a का होल स्क्वायर प्लस मॉड b का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड a मॉड b एंड cos 180 माइनस थीटा। जहां पे था थीटा वहां मैं कर दूंगा cos 180 माइनस थीटा। अब cos 180 माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस cos थीटा, वो तुमको पता होना चाहिए। तो यहां से हम लिखेंगे मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर माइनस टू मॉड ए माइनस टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो ये तुम्हारा आ गया ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो हमने जब ए प्लस बी का फाइंड किया था तो यहाँ पे था प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और जब हमको ए माइनस बी का फाइंड करना हो मैग्नीट्यूड, तो वहाँ पे आ जाएगा माइनस टू ए बी कॉस थीटा। तो बस इतना ही का अंतर है, वहाँ पे प्लस होता है टू ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे होता है माइनस टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहाँ पे मेरा जो थीटा है वो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ही है। तो अगर ए और बी के बीच का एंगल था थीटा, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो मैंने बस उसी को एडिशन में चेंज कर लिया। अब मान लो कि हम तुमसे पूछें कि ये जो मेरा ए माइनस बी आया है, ये जो मेरा a माइनस बी आया है, उसने a वेक्टर के साथ एंगल बनाया है अल्फा, उसने a वेक्टर के साथ एंगल बनाया है अल्फा, तो हमको फाइंड करना है tan अल्फा। तो फिर से वही कहानी, जहाँ जहाँ पे आपका था थीटा वहाँ पे कर दो आप 180 माइनस थीटा, बस उतना ही चेंज करना है। तो हमको फाइंड करना है एंगल विथ a, तो ऊपर जाएगा b, तो फिर से वही होगा मॉड b साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई मॉड a प्लस मॉड b cos 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ऊपर वाला तो चेंज नहीं करेगा, ये आएगा मॉड b साइन थीटा ही, और नीचे अपना हो जाएगा मॉड a एंड cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस b cos थीटा। तो अगर दो वेक्टर का मेरे को सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है, और फिर ये हमको फाइंड करना है कि वो जो सब्ट्रैक्शन वाला वेक्टर आया है वो a के साथ कितना बनाया एंगल, तो हम लोग यूज करेंगे ये फार्मूला। तो सिंपल सा तुमको कहानी याद ये रखना है कि एडिशन में जहाँ पे कॉस था वहाँ पे आ रहा था प्लस,
सब्ट्रैक्शन में जहां पे कॉस था वहां पे आपका आ जाएगा माइनस कॉस, बस इतना ही अंतर आ रहा था, जहां जहां कॉस हो वहां कर देना माइनस कॉस, जहां पे साइन था वहां पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, खाली कॉस में चेंज आ रहा था, ठीक है। अगर वही मान लो कि हम कि आपको फाइंड करना हो एंगल साइन के टर्म में, तो हम क्या लिखेंगे साइन अल्फा, तो मॉड बी साइन 180 माइनस थीटा एंड बाई मॉड आर, या मॉड ए माइनस बी, मॉड आर का मतलब कि मॉड ए माइनस बी, तो मॉड ए माइनस बी को आप यहाँ भी फिर से बोल सकते हो मॉड सी, या इसको आप फिर से बोल सकते हो रिजल्टेंट वेक्टर, कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमको वेक्टर मिला है उसको हम फिर से बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, तो आप इसको मॉड आर भी बोल सकते हो। तो जो आपका साइन 180 माइनस थीटा आपका फिर से वो तो साइन ही रह जाएगा, तो मॉड बी साइन थीटा बाई मॉड आर, मतलब कि आप अगर साइन के फॉर्म में यूज करोगे तो फिर आपका फॉर्मूला सेम ही रह रहा है, जो था एडिशन के लिए वही रह रहा है सब्ट्रैक्शन के लिए भी एंगल फाइंड करने का। हालांकि इस बार जो आपका मॉड आर का वैल्यू होगा वो आपको इस फॉर्मूले से फाइंड करना होगा, मॉड आर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। तो इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं तो फिर और भी तुम्हारा वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक बात तुम उससे पहले और देखो यहाँ पे, कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, इफ दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए और हमको उनके सब्ट्रैक्शन का फाइंड करना हो मैग्नीट्यूड, तो वो आएगा तुम्हारा मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर माइनस टू मॉड ए मॉड बी एंड कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 फिर से हो जाएगा जीरो, मतलब ये तुम्हारा आ जाएगा मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर। अब तुमको अगर थोड़ा सा याद होगा ना, तो हमने जब दो वेक्टर को ऐड किया था और उनके बीच का एंगल 90 था, तो उनका एडिशन भी इतना ही आया था, उनका एडिशन भी इतना ही आया था। तो तुम लोग यहां से एक बात याद रखना कि इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री, तो उस केस में सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड होता है इक्वल टू द एडिशन का मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो जो उनके सब्ट्रैक्शन का आएगा मैग्नीट्यूड, वही आएगा उनके एडिशन का भी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सेम आएगा, बस अंतर होता है डायरेक्शन का। देखो कैसे, जैसे मान लो कि अगर मेरे पास ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था और हमको इसका एडिशन फाइंड करना है, तो फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, एडिशन वेक्टर कहीं इस तरफ आएगा ए प्लस बी। लेकिन अगर तुमको फाइंड करना है ए माइनस बी, तो देखो तो ए वेक्टर था इस तरफ, तो माइनस बी आएगा नीचे की तरफ, और फिर ए और माइनस बी का जो एडिशन होगा वो हमको देगा ए माइनस बी, तो वो तुम्हारा आएगा इस तरफ। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन बस देखो क्या हो रहा है, डायरेक्शन अलग अलग हो जा रहा है, तो ये तुमको याद रखना। तो तुमको अगर कभी भी क्वेश्चन में कहीं ऐसा दिख जाए कि दो वेक्टर का समेशन का मैग्नीट्यूड उसके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो उन दो वेक्टर के बीच का एंगल बताइए, तो आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। तो वहाँ पे सॉल्व करने का तुमको जरूरत भी नहीं पड़ेगा, हाँ, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं रहेगा, वो तुमको ध्यान रखना। चलो तुम लोग इसको सॉल्व करो, दो वेक्टर है ए और बी, उसके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तुमको फाइंड करना है ए प्लस बी वेक्टर मतलब उनका एडिशन वेक्टर एंड ए माइनस बी उनका सब्ट्रैक्शन वेक्टर। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 4 यूनिट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 3 यूनिट। सॉल्व करो इसको, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू cos 61 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आएगा 16 प्लस 9 प्लस 12, तो आने वाला है स्क्वायर रूट ऑफ 37 यूनिट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 37 यूनिट आया समेशन का मैग्नीट्यूड। अब मान लो कि जो मेरा ए प्लस बी वेक्टर था कुछ ऐसा आया था, उसने वेक्टर ए के साथ एंगल बनाया है अल्फा, तो मान लो हमको फाइंड करना था अल्फा, तो क्या लिखेंगे, टेन अल्फा बराबर मॉड बी साइन थीटा,
तो मतलब 3 साइन 60 डिग्री बाई मॉड ए 4 प्लस मॉड बी कॉस थीटा, तो 3 कॉस 60 डिग्री। तो ये तुम्हारा जाएगा 3 इंटू रूट 3 बाई 2 बाई 4 प्लस 3 इंटू 1 बाई 2। तो सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 3 रूट 3 बाई 2 और 7 बाई 2। देखो तो ठीक है ना, तो यह आएगा 3 रूट 3 बाई 7। अब इसे सॉल्व कर लो तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स 3 रूट 3 बाई 7, जो भी आएगा वैल्यू वो तुम्हारा हो जाएगा एंगल विथ वेक्टर ए। अरे यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, देखो यहाँ पे ये था 4 प्लस 3 बाई 2 ना, तो ये तुम्हारा आएगा 4 इंटू 2 8, यहाँ पे ये तुम्हारा आएगा 4 बाई 11, यहाँ पे आने वाला है 11, तो ये आएगा 3 रूट 3 बाई 11। तो ये हमने फाइंड कर लिया है एडिशन, अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन कितना आएगा। तो a माइनस बी का आने वाला है मैग्नीट्यूड मॉड a का होल स्क्वायर, तो 16 प्लस मॉड b का होल स्क्वायर 9 माइनस 2 मॉड a 4 मॉड b 3 एंड cos 60 हाफ, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 12, ये आपका आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13, तो स्क्वायर रूट ऑफ 13 यूनिट। अब जैसे मान लो कि ये था अपना a वेक्टर, तो इस तरफ कहीं आएगा अपना b माइनस b वेक्टर, तो इस तरफ आ रहा होगा a माइनस b वेक्टर। तो हम मान लेते हैं कि a माइनस b ने a के साथ बनाया है एंगल अल्फा, तो यहाँ से हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू बी ए मॉड b साइन थीटा, तो मॉड b आपका था 3 इंटू साइन 60 रूट 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई मॉड a प्लस मॉड b कॉस थीटा, तो मॉड a आपका हो जाएगा 4 एंड मॉड a, और यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी जो आपका सब्ट्रैक्शन में आता है नीचे में आता था माइनस, तो 4 माइनस मॉड b तो 3 इंटू कॉस 60 1 बाई 2। अब इसको सॉल्व करो तो ये आपका आ जाएगा 3 रूट 3 बाई 2 बाई 8 माइनस 3 तो 5 बाई 2। तो इसको सॉल्व करोगे जब तुम तक 2 से 2 हो जाएगा कैंसल आउट, तो आएगा 3 रूट 3 बाई 5 और अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3 रूट 3 बाई 5, ये हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू। बोलो ठीक है ना, चलो मेरा एक सवाल है, क्या a माइनस बी इक्वल होगा b माइनस ए के? हमने सीखा था कि a प्लस बी होता है इक्वल b प्लस ए के, अब हमने लिया है सब्ट्रैक्शन के लिए, क्या a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल होगा? तुम लोग सोच के बताओ क्यों नहीं होगा बोलो। देखो तो a माइनस बी और b माइनस ए के इक्वल नहीं होता है, ये बात सही है, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। और इक्वल क्यों नहीं होंगे, तो ये तो तुमको सबसे पहले जो दिख रहा होगा कि a माइनस बी और b माइनस ए का डिरेक्शन सेम नहीं आने वाला है। देखो कैसे, मान लो कि अगर ये रहा मेरा a वेक्टर, तो इस तरफ कहीं आएगा माइनस बी वेक्टर, तो इस तरफ तुम्हारा आने वाला है a माइनस बी। वैल्यू के बारे में तुम अभी भूल जाओ, बस अभी चेक करो डिरेक्शन के बारे में, क्योंकि वो हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। तो ये मेरा है a माइनस बी का डिरेक्शन, अब जरा देखते हैं कि क्या होगा b माइनस ए का डिरेक्शन। तो b माइनस ए, तो b को तो हम लोग ऐसे ही रखेंगे b वेक्टर, और माइनस a आएगा इस तरफ, तो b माइनस ए जो आएगा वो तुम्हारा आएगा इस तरफ। एक बात तो हम सियोर हो गए हैं कि इनका डिरेक्शन सेम नहीं हो रहा है, तो जब भी कोई दो वेक्टर सेम होता है तो उसका मैग्नीट्यूड प्लस उसका डिरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे a माइनस बी और b माइनस ए का डिरेक्शन ही सेम नहीं हो रहा है, तो पक्का ये दोनों वेक्टर तो सेम नहीं होंगे, ये हम लोग सियोर हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये इज तुम अब हटा दो, अब तुम इसको लिख दो एक स्टेटमेंट के फॉर्म में कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ओके,
अब मैं तुमसे पूछूं कि हम लोग ने चेक किया कि वेक्टर फॉर्म में तो सेम नहीं है, क्या अब बताओ क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस ए? मैंने इस बार वेक्टर फॉर्म में बात नहीं किया, मैं बात कर रहा हूं इस बार सिर्फ वैल्यू का। अब तुम बताओ कि क्या उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा? डायरेक्शन सेम नहीं था इसलिए वो दोनों वेक्टर फॉर्म में सेम नहीं होंगे, वो मैंने वहां बोल दिया। अब मेरा सवाल अलग है कि क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, सोचिए बताओ। तो इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये सही है स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्योंकि देखो आपको ए माइनस बी का फाइंड करना हो मैग्नीट्यूड, या फिर आपको फाइंड करना हो बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड, तो आप स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा से ही फाइंड करोगे, प्लस नहीं माइनस सॉरी, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, आप दोनों के लिए सेम ही फॉर्मूला यूज करोगे। तो वहां पे आपका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा होता है प्लस में, जो आपका मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा होता है प्लस में, और थीटा जो था वो था एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो वो आप ए माइनस बी फाइंड करो या बी माइनस ए फाइंड करो, दोनों केस में आपका थीटा भी सेम ही रहेगा। तो मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है, बस चेंज करेगा ओनली डायरेक्शन। तो इसलिए वेक्टर फॉर्म में वो दोनों सेम नहीं होंगे, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड था वो सेम होगा, तो इसको याद रखना। इसके एग्जाम्पल के लिए तुम एक ट्राई भी कर सकते हो, जैसे मान लो कि मेरे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये 4 यूनिट ये 3 यूनिट मैग्नीट्यूड, हमको फाइंड करना है हमको फाइंड करना है ए माइनस बी एंड हमको फाइंड करना है बी माइनस ए। तो देखो पहला केस में हमको फाइंड करना है ए माइनस बी, तो ए को तो छोड़ देंगे वैसे ही, ए वेक्टर जो बी था वो आ जाएगा नीचे, तो माइनस बी, तो ए माइनस बी कहीं आने वाला है इस तरफ। अब जरा चेक करते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी चूंकि एंगल 90 है, सिंपली मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो तुम्हारा आएगा 5 यूनिट, अभी तुम्हारा आने वाला है 5 यूनिट। तुम अगर चाहते हो बी माइनस ए फाइंड करना, तो बी को हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे और ए को करेंगे माइनस ए में, तो इस बार b माइनस ए कहीं आएगा इस तरफ। अब देखो तुम फाइंड कर लो b माइनस ए का मैग्नीट्यूड, तो वो भी फिर से वैसा ही आएगा, मॉड a का होल स्क्वायर प्लस मॉड b का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25, फिर से आपका 5 ही आने वाला है, तो 5 यूनिट ही आएगा। बस चेंज क्या किया है आपका, ओनली डायरेक्शन, ठीक है, 5 यूनिट 5 यूनिट। अब चाहो तुमको जो एंगल है वो भी तुम फाइंड कर सकते हो कि जो मेरा नेट वेक्टर ए माइनस बी आया है वो ए के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो तुमने उसको मान लिया है अल्फा, तो तुम चाहो तो टैन वाले से भी सॉल्व कर सकते हो, तुम चाहो तो उसको साइन वाले से भी सॉल्व, मेरे को साइन वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं करता हूँ सॉल्व साइन वाले से, तो साइन अल्फा। और हमने कहा था कि जब तुम हम लोग साइन वाला फॉर्म करते हैं यूज, तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो मेरा फॉर्म वो फॉर्मूला चेंज नहीं करता है, तो साइन अल्फा, तो अल्फा था एंगल विथ ए, तो ऊपर लेंगे मॉड बी, तो मॉड बी साइन थीटा बाई मॉड आर, यही ना मॉड आर, मतलब यहाँ पे ए माइनस बी का मॉड हो जाएगा मॉड आर, इसको लिख दो मॉड ए माइनस बी का मॉड, तो मॉड बी कितना था, कितना आया था मॉड बी अपना 3 था ना, तो 3 साइन 90, और जब आपका a माइनस बी का मॉड आया था 5, तो 3/5 आ जाएगा, तो साइन अल्फा आ गया 3/5। आप चाहो तो टैन वाला भी कर सकते हो, हालांकि तुमको अगर थोड़ा सा याद हो तो मैंने तुमको कहा एक बात कहा था कि जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 होना, तो तुम सिंपल सा वहां पे टैन वाला भी अपना सिंपल ही होता है कि टैन अल्फा जिसके साथ एंगल फाइन करना हो वो ऊपर नहीं रहेगा, तो मान लो कि अगर हमको यहाँ पे एंगल फाइन करना था विथ ए तो ऊपर रहेगा बी, तो मॉड बी बाई ए, यहाँ भी वो है वैलिड कि 90 वाला जो एक एंगल का फॉर्मूला था वो जो आता है आपका एडिशन के लिए वही आपका आता है सब्ट्रैक्शन के लिए भी, तो ये भी आपका मॉड बी बाई ए कर सकते हो आप, तो बी कितना था 3/4, तो आप इसको कर सकते हो 3/4, तो ये आपका आएगा टेन अल्फा।
देखो तो हमने जब साइन के फॉर्म में किया था तो आया था 3/5, टैन के फॉर्म में किया है तो आया 3/4, दोनों ही केस में जो तुम्हारा अल्फा का वैल्यू आएगा वो 37 ही आएगा, तो एंगल तो सेम ही आएगा ना, बस हमने उसको टैन के फॉर्म में लिया तो कुछ और वैल्यू शो कर रहा है, साइन के फॉर्म में शो किया तो कुछ और वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन एंगल सेम आएगा 37 37। तो इसमें कोई तकलीफ किसी को? बोलो जल्दी से।